पार्टी और परिवार में अलग थलग पड़ने वाले चिराग पासवान अब पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो लगातार ही नए दांव चलते रहते हैं। अभी बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चिराग पासवान अपनी पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं। इसके लिए चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है यानी कि बंगला, वो उनके पास है और इलेक्शन कमीशन से ये बात साफ भी करवा सकते हैं। उन्होंने ये दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान अपने पूरे बयान में, हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको पूरी बात बताते हैं। पता चल जाएगा जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज की तारीख में मैं बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप सब जानकार लोग हैं भाई, आप लोग चुनाव आयोग जाइए, चुनाव आयोग में जाकर पूछिए कि क्या कोई विवाद है चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या कोई विवाद है पार्टी के सिंबल को लेकर। और अगर कोई अगर इस तरीके की जानकारी आपके समक्ष आती है आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी में तो अभी तक इस तरीके का कोई सवाल दिया है कि जो चिराग पासवान इंतजाम लगाने जाते हैं पैसे लेकर टिकट नहीं देने का, इस पर क्या कितनी सच्चाई है इस बात पे चिराग जी? देखिए मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि दरअसल लोजपा पर कब्जे की लड़ाई में चिराग पासवान के सामने अपने चाचा पशुपति पारस के मुकाबले विकल्प कम है। विधानसभा उपचुनाव में चिराग अगर लोजपा का प्रत्याशी देने की कोशिश करते हैं तो पार्टी का सिंबल आवंटित करने के मसले पर चाचा का गुट इसका विरोध जरूर करेगा। इसके बाद मामला चुनाव आयोग के पाले में भी जा सकता है। वह लोजपा का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे मानता है, इस परिदृश्य में जो 2 संभावनाएं बनती है उसमें चिराग के लिए अधिक पेच है। दरअसल बिहार और तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव में तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन दोनों विधायकों के असमय निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, जिस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। इन दोनों सीटों को लेकर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को उतारने की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि अगर उपचुनाव में चिराग अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी का पारस गुट इसका विरोध करेगा और ये मामला चुनाव आयोग के पास जा सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को फैसला करना होगा कि असली लोजपा कौन है। उल्लेखनीय है कि लोजपा के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा के 5 सांसदों ने बगावत कर दी थी, जिसका नेतृत्व सांसद और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस कर रहे थे, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। दोनों गुट अपने आप को असली लोजपा बताता है। ऐसे में अगर ये मामला चुनाव आयोग के पास चला जाता है तब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे मानता है। कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग चिराग या पारस में किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेता है तो दूसरे की परेशानियां बढ़ जाएगी। फिलहाल लोजपा के 6 सांसद है जिसमें चिराग और पारस दोनों ही शामिल है। गौरतलब हो कि लोजपा का कोई भी विधायक और विधान पार्षद नहीं है। 6 सांसदों में 5 सांसदों का समर्थन पारस को है। ऐसे में चिराग की परेशानियां तब और बढ़ जाएगी जब आयोग पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेगा। अब ये चुनाव में देखना होगा कि ये चुनाव चिन्ह लोजपा में किसे मिलता है, ये पारस गुट का है या फिर चिराग गुट का है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।